नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र में किन्नरों के लिए एक सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा। इस सामुदायिक भवन में किन्नर अपनी सभा कर सकेंगे, समाज की मीटिंग होगी, किन्नर वहां रह भी सकेंगे। इस बात का ऐलान जुगसलाय के विधायक मंगल कालिंदी ने धतखड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किन्नर सम्मेलन में किया। विधायक मंगल कालिंदी इस किन्नर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। किन्नर समुदाय काफ़ी समय से सामुदायिक भवन की मांग करते आ रही थी। इस सम्मेलन में किन्नरों ने अपनी कई मांग उठाई। किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार उनके लिए योजनाओं का ऐलान तो करती है, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। उनका कहना था कि किन्नर सम्मेलन में बहुत से किन्नर इसलिए नहीं आए कि वे सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार जब कोई कार्यक्रम करती है तो उनको बुलाती और फिर उनको साइड कर दिया जाता है। कार्यशाला रखी गई जिसमें हमारा NNTP जो है उनका सहयोग रहा, क्योंकि NNTP जो हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उनके द्वारा चल रही है, जिनसे जो झारखंड में जो हमारा समाज हमेशा पीछे होता जा रहा है। देखेंगे आज झारखंड में तृतीयलिंग समुदाय को किसी तरह के अधिकार नहीं मिले हैं, उसके लिए आज यहाँ पे बातचीत हो रही है और ये NNTP के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। NNTP के माध्यम से पिछले हम 7 महीनों से काम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसजेंडर के लिए SHG ग्रुप बनाना हो गया, उनको सोशल स्कीम से जुड़ना हो गया और भी जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से हो पा रही हैं। स्थानीय विधायक क्या आश्वासन दिए आप लोगों का प्रॉब्लम को लेके? देखिए, स्थानीय विधायक जी ने जो कहा है वह बहुत बड़ी बात कहेगा, क्योंकि अभी तक हम इसके लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमारे अलग से सामुदायिक भवन हो जहाँ हम अपने समाज के लिए कार्य करने पाएँ। तो सर ने कहा है तो जरूर सी बात है कि वो हो पाएगा, और हो जाएगा तो हमारे समुदाय को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब हमें लोग घर से निकालते हैं तो हमारे पास रहने को कोई आवास नहीं होता है या कुछ कार्य करने हैं तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। कुल कितने लोग हैं जमशेदपुर में? देखिए, जमशेदपुर की संख्या अगर लेंगे तो 1000 से ऊपर है, लेकिन कार्यक्रम में वो नहीं आते क्योंकि सरकार ने अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया। तो हमेशा उनका यही ही कहना होता है कि सरकार बस अपने काम के लिए बुलाती है और काम करने के बाद हमें साइड कर देती है, और यही होता है। मंत्रालय से कई चीज़ें पास हुई, 1 साल हो गया उसको, लेकिन अभी तक वहाँ चीज़ें ग्राउंड लेवल पर हो ही नहीं पाई हैं। अगर आप देखें किसी भी सदर अस्पताल में अलग से शौचालय नहीं है, अलग से रेस्ट रूम नहीं है, या अगर आप अस्पताल में जाते हैं ट्रांसजेंडर कोई सुविधाएं नहीं है तो उनको कौन शुरू कराएगा? यहाँ के लोगों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम अमरजीत सिंह हुआ, उत्थान संस्था के सचिव हूँ। इस समाज के बीच में आकर हमें बहुत, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि सृष्टि का रचना जो है ईश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, भगवान ने किया है, और इन लोगों का भी जो है इसकी जो है भगवान ने ही किया है, और ये भी मनुष्य हैं, और इनकी जो समस्याएं हैं इसको एक बहन के रूप में हम लोग इस समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये हमारे जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र में हम सरकार से बात करके इन लोगों के लिए भवन बना के कि समाज के इन लोगों का लोग का मीटिंग हो या उस समाज के लोग वहाँ रह सकें, किसी भी प्रकार का जो है इन लोगों का कुटीर उद्योग के माध्यम से अपना काम भी कर पाएँ, ऐसे चिंता भावना के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का हम लोग समाधान करने पर हमेशा आगे बढ़कर हम लोग काम करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस बीच कई सारे लोग कितने तरह की बातें करके चले जाते हैं जो दिल को चीर जाती है। सर, मैंने भी प्रयास किया था, मैंने भी मांगा, लेकिन एक ही बार मांगा, जब लोगों ने मुझसे ऐसी बात की तो मैंने वो काम छोड़ दिया। लेकिन हमारी बहनों को ये काम आसान लगता है, मांगना है मांगना है, वो आदत सी बन गई उनकी। तो हम सर चाहेंगे कि आने वाले समय में आप हमें सहयोग करें ताकि हमारे लिए अलग से सामुदायिक भवन बने। और यही कारण है कि जबकि साक्षी क्षेत्र मेरा विधानसभा नहीं पड़ता है, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान की बलिदानी देने वाले भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का स्थापित हमने लगाया। हमें निमंत्रण करने आई थी तो हमने कहा कि मैं जरूर आऊंगा आप लोगों का कार्यक्रम में, और हमारा विधानसभा जो सलाई पड़ता है, हमने कहा इन लोगों को कि आप लोगों को अगर कहीं इस टाटा स्टील के क्षेत्र में अगर जगह नहीं मिल रहा है आप लोगों के समाज के लिए तो हम बात करेंगे, और टाटा स्टील अगर इसमें एग्री हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हमारे जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र में हमने कहा भी था कि सुंदरनगर क्षेत्र में
बिहार सरकार का जमीन होगा तो आप लोग एक आवेदन लिखिएगा और हमें जरूर दीजिएगा। और हम उस क्षेत्र का जो सीओ है, सीओ से आप लोगों का समाज के लिए एक सामुदायिक विकास भवन जिसमें आप लोग अपना बैठक भी कर सकते हैं, आप लोग रह भी सकते हैं, आप लोग वहाँ अपना समाज का मीटिंग भी कर सकते हैं। जो आप लोग आज वंचित है कि आप लोग अगर कहीं मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, या आप लोगों का अधिकार के लिए एक भवन होना चाहिए, वो भवन आप लोगों का नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं दुखसराय विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के लिए सीओ से बात कर आप लोगों का जमीन को कंप्लीट करवा के बिहार सरकार का आप लोगों का हम उस क्षेत्र में भवन बना के देने का हम काम करेंगे, ताकि आप लोग अपना समाज के साथ